कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अकोला शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बड़े प्रमाण में आरटीपीसीआर जांच की जा रही है, जिसमें 3 दिन पहले एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं 3 दिन बाद उसी युवक की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके कारण आरोग्य विभाग की कोरोना की जाँच और जारी की जाने वाली रिपोर्ट को लेकर सवाल या निशान लग गया है। अकोला शहर सहित जिले में बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। इस महामारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी आरटीपीसीआर जांच की जा रही है, परंतु 3 दिन के अंतराल में एक ही व्यक्ति की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव और 3 दिन बाद उसी व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आने का मामला सामने आया है, जिसने आरटीपीसीआर जाँच और उसकी रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगा दिया है। आपातापा प्राथमिक आरोग्य केंद्र में अक्षय विकास गाड़े नामक युवक ने आरटीपीसीआर जांच करवाई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, परंतु अक्षय विकास गाड़े को ना तो सर्दी खांसी और बुखार था और ना ही उसकी तबीयत खराब थी, बावजूद इसके उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 5 मार्च को निकाली गई रिपोर्ट पॉजिटिव थी। 3 दिन बाद यानी 8 मार्च को फिर से अक्षय विकास गाड़े ने अपनी आरटीपीसीआर जाँच करवाई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। 3 दिन पहले जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, 3 दिन बाद उसी व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव कैसे आई, यह खोज का विषय बन गया है। वरिष्ठ वैद्य के अधिकारी क्या पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट के गड़बड़ घोटाले के संदर्भ में स्पष्टीकरण देंगे, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। आपातापा आरोग्य केंद्र इथे COVID-19 ची टेस्ट केली, दिनांक 5/3/2021 मी इथे टेस्ट केली, त्यामध्ये जो माझा अहवाल आहे तो पॉझिटिव्ह आला। नंतर मला असं शंका होती की मला असं काहीही नाही त्यामध्ये, त्यामुळे जो मी मॅडमकडे गेलो आणि मॅडमला विचारलं, मला असा कोणताही त्रास नाही आहे, ना ताप आहे, ना सर्दी आहे, ना खोकला आहे, तरीसुद्धा हा खूप पॉझिटिव्ह आला। तर मॅडम बोलल्या नाही असं होऊ शकते, तर नंतर मी आणखी ते तपासणी दिनांक 8/3/2021 केली, त्यामध्ये माझा रिपोर्ट जो आहे तो आपला निगेटिव्ह आला। तर असं 3 दिवसामध्ये रिपोर्ट चेंज होऊ शकते का, आणि हा कोणता करोना आहे, याच्यामुळे होणारा त्रास, मानसिक त्रास होते आणि जे जॉबचा लॉस होते हा लॉस आणखी कोणाला झाला नाही पाहिजे, हे माझ्या आरोग्य केंद्राला बोलणे आहे।